Hello everyone, today we are going to talk about rectangle function. In my previous video, I have given you a program of Doraemon, जिसमें ellipse function और fill ellipse function का use हुआ था, जिसका explanation मेरे description box के link में आपको मिल जाएगा. और मेरे next video में set color function, set fill style function and flood fill function का explanation होगा. आज rectangle function के बारे में पढ़ते हैं. आज इस वीडियो में आप पहले रेक्टेंगल फंक्शन के डिक्लेरेशन समझेंगे, फिर उसका एक एग्जांपल देखेंगे, फिर रेक्टेंगल फंक्शंस के आर्ग्यूमेंट्स को हम स्क्रीन में कैसे इमेजिन करते हैं वो देखेंगे, फिर हम इस प्रोग्राम को स्क्रीन में यानी कि सिस्टम में रन करवाएंगे. तो स्टार्ट करते हैं. डिक्लेरेशन में हम यहाँ पर पहले वॉइड रेक्टेंगल, वॉइड इसलिए यहाँ पर लिखा गया है क्योंकि रेक्टेंगल फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता है. उसके बाद मैंने लिखना है रेक्टेंगल. देन हमने ब्रेसेस के अंदर चार आर्गुमेंट पास करने हैं, विच इज एल टी आर बी, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम. इंट इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि हम जो भी आर्गुमेंट पास करेंगे वो इंटीजर में होगी, मीन्स हमारी वैल्यू इंटीजर में होगी. ठीक है, अब उसका एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल में हमने रेक्टेंगल फंक्शन सी, ऊपर के तीन चार लाइन जो है इसमें हमने हेडर फाइल यूज़ किया है ग्राफिक्स, क्योंकि ग्राफिक्स मोड में कोनियो बिकॉज गेट सी एच यूज़ हुआ है. उसके बाद हमने ग्राफिक ड्राइवर और ग्राफिक मोड को डिक्लेयर किया है. उसके बाद ग्राफिक्स को इनिशलाइज किया है. ठीक है, फिर हमने रेक्टेंगल फंक्शन यूज़ किया है. रेक्टेंगल फंक्शन में चार आर्ग्यूमेंट पास किए, विच इज एल टी आर बी. अब इसको इमेजिन कैसे करेंगे देखते हैं. सपोज ये हमारा स्क्रीन है जो कि जिसको हम एज एन फोर्थ क्वाड्रेंट मानते हैं, मीन्स यहाँ से हमारा इस तरफ जाएगा और ये वाई एक्सिस नीचे की तरफ होगा. ठीक है, और अप्रॉक्स वैल्यू हमारी एक्स एक्सिस की 640 होती है और वाई एक्सिस की 480 होती है. ठीक है, हमने पास क्या किया था, रेक्टेंगल, राइट, रेक्टेंगल 100 50 200 200, राइट, कुछ ऐसे ही पास किया था. अब इसको हम स्क्रीन में कैसे कुछ इमेजिन करते हैं, कैसे कोऑर्डिनेट देते हैं, कुछ ऐसा होता है. सी हमने क्या बोला था, ये क्या है, टॉप राइट बॉटम. 100 मीन्स लेफ्ट. अब ये लेफ्ट कैसे होता है, मीन्स ये जो हमारा लेफ्ट है उसकी लेफ्ट लाइन की जो एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100. ठीक है, एक्स एक्सिस से लेफ्ट लाइन ऑफ रेक्टेंगल की डिस्टेंस कुछ 100 है. ठीक है, उसके बाद हमने पास किया था 50 क्या होता है, 50 हमारे टॉप, विच इज 50 इज टॉप, मीन्स हमारे जो टॉप रेक्टेंगल का जो टॉप है उसकी डिस्टेंस वाई एक्सिस में 50 है. ठीक है, अब फिर मैंने पास किया था राइट. ठीक है, राइट मीन्स जो हमारा राइट साइड ऑफ रेक्टेंगल है उसकी डिस्टेंस हमारे एक्स एक्सिस से कुछ 200 होगी. सी ठीक है, उसके बाद हमने पास किया था बॉटम, विच इज़ 200. तो मीन्स हमारे जो रेक्टेंगल का बॉटम है उसकी वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 200. सी जहाँ पे 200 वाई एक्सिस का होगा उधर ही उसका बॉटम की लाइन होगी. अब इसको हम स्क्रीन में रन कराते हैं. ओके, सिस्टम में जाने से पहले एक और बार रिवाइज कर लेते हैं. रेक्टेंगल में चार आर्ग्यूमेंट पास किए. पहला आर्ग्यूमेंट लेफ्ट, विच इज़ 100, मीन्स हमने जो लेफ्ट की जो वैल्यू है हमारे रेक्टेंगल की वो 100 की डिस्टेंस पे होगा, एक्सिस का जहाँ 100 पॉइंट होगा वहाँ तक उसका लेफ्ट जाएगा. फिर मैंने टॉप
टॉप की वैल्यू 50 दी, मींस जो हमारे रेक्टेंगल का टॉप है वो कुछ 50 के डिस्टेंस में होगा, जहाँ पे 50 का जो डिस्टेंस होगा उधर उसका टॉप आएगा। उसके बाद राइट 200 मींस जो रेक्टेंगल का राइट है, जो रेक्टेंगल का राइट पार्ट है वो एक्स एक्सिस के राइट मींस एक्स एक्सिस से कितने 200 के डिस्टेंस में होगा। फिर मैंने बॉटम दिया 200 मींस रेक्टेंगल का जो बॉटम है वो जो वाई एक्सिस का 200 होगा, जो 200 डिस्टेंस होगी वाई एक्सिस की वो बॉटम हो जाएगा हमारा, ठीक है, उधर हमारी बॉटम के। अब इसको सिस्टम में रन कराते हैं, ठीक है। सो हमारा एग्जांपल अब हम एग्जीक्यूट करते हैं। आफ्टर एग्जीक्यूशन रेक्टेंगल कुछ इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, सी लेफ्ट टॉप राइट बॉटम, ओके। तो बहुत सिंपल सा फंक्शन था। सो दैट्स इट, थैंक यू गाइज। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सेट कलर फंक्शन, सेट स्टाइल एंड फ्लड फिल फंक्शन को एक्सप्लेनेशन करेंगे, और एक प्रोग्राम भी होगा। ओके, थैंक यू।